बड़ी खबर की बात करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऋषिकेश दौरा है। आचार्य बालकृष्ण का हाल जानने के लिए एम्स पहुंचे हैं। IDPL ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आचार्य को दरअसल आपको बता दें सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स में भर्ती कराया गया था और एम्स में मुलाकात करने के लिए हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं एम्स। ऋषिकेश दौरा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, आचार्य बालकृष्ण का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे हैं। दरअसल अचानक से तबीयत खराब हो गई बालकृष्ण की, सीने में दर्द उठा, आनंद फानन में एम्स में भर्ती कराया गया और अब मुलाकात करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व सह प्रांत संघ चालक रोशन लाल को श्रद्धांजलि दी है। संघ से जुड़े कई स्वयंसेवक संघ पहुंचे हैं संघ के कार्यालय। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, महापौर समेत कई बीजेपी नेता भी साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर, रोशनलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। संघ से जुड़े तमाम नेता भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पहुंचे हुए हैं। महापौर समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद। संघ कार्यालय पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व सह प्रांत संघ चालक रोशन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही कई संघ से जुड़े कई स्वयंसेवक भी साथ में मौजूद रहे। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। क्या अपडेट है इस संबंध में? बिल्कुल, आपको बता दें कि रोशन लाल जो कि प्रांतीय सह संघ संचालक थे, पूर्व संचालक रहे, उनका असल लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया था और वो प्रांतीय कार्यालय पर उनका जो है यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए सब रखा गया था। वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत भाजपा के तमाम नेता और जो संघ के सदस्य रहे हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, वो तमाम संख्या में वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोशन लाल को श्रद्धांजलि दी और उनकी अर्थी को कंधा देते हुए कहा कि जिस तरीके से उनके जो काम किए, उनके उनके द्वारा जो काम किए गए, जो संघ को उनमें बढ़ाने का जो काम किया है, जो स्वयंसेवकों को जोड़ने का जो काम किया, उनके उपलब्धियों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा उनके जैसे अन्य स्वयंसेवक बने, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी वहां पर मौजूद रहे, माला राज लक्ष्मी शाह जो सांसद है टिहरी से वो वहां पर मौजूद रही, साथ ही तमाम विधायक वहां पर मौजूद रहे, तमाम बीजेपी के नेता जो संघ के से जुड़े रहे वो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए प्रांतीय कार्यालय पर वहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल, पवन साथी ये भी जानना चाहेंगे क्या और भी कोई कार्यक्रम है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इसके अलावा? बिल्कुल, यहाँ के बाद में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगर कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं और ऋषिकेश एम्स में भर्ती जो पतंजलि के जो बाल योगेश्वर है उनको वहां पर देखने के लिए जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि उनका कल उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसके बाद में उनको एम्स में भर्ती कराया गया था और उसके बाद में मुख्यमंत्री की जो शासकीय कार्य को देखेंगे, चाहे वो आवास पे और सचिवालय में। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दौरा भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफी अहम है। संघ से जुड़े कई स्वयंसेवक भी साथ में मौजूद रहे, कई नेता भी साथ में मौजूद रहे और साथ ही स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते आगे, देहरादून में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भजन कीर्तन किए और रात 12 बजते ही घंटा घड़ियालों के साथ बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो गया।
श्रद्धालुओं ने गोले पटाखे दागे और आरती की। महिलाओं ने गोकुल में बजत है बधैया, नंद के घर जन्मे कृष्ण, कन्हैया सहित अन्य सोहर गीत भी गाए। और साथ ही देहरादून पुलिस लाइन में भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और पुलिस महानिदेशक के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि सभी को कृष्ण और सुदामा जैसे लोग रखना चाहिए। राकेश कुमार की बोल पर देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान जिसने सदैव एक तो गरीबों का सुदामा जैसे एक गरीब ब्राह्मण का जिस तरह से पग हुए वो प्रतीक है कि उनकी सेवा का हमारी प्राथमिकता क्या है। प्रथम आप सबको और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अवगत हैं पुलिस में विभिन्न प्रकार के त्यौहार बनाने का अवसर नहीं मिलता है और ये एक परंपरा है कि जन्माष्टमी को पुलिस के सभी जो परिवार है वो बहुत इतिहास से हमेशा मनाता आया है। रुक करते हैं खबरों का। आठू पर्व के मौके पर राई आगर के पास में स्थित सैम देवता के मंदिर में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन हुआ। मंदिर में दूर दराज से भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। देव डागरों ने भक्तों को प्रसाद में फल वितरित किए। मान्यता है जो भक्त इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा से आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ झोलियों ने अपना नृत्य भी पेश किया और मेले को लेकर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। मेले में दूर दराज से आए व्यापारियों ने दुकानें लगाने के साथ ही खरीदारी भी की। पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लगभग अभी तक समस्त भक्तों को उनकी कामना पूर्ण रूप से पूरी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम चरम पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत सचिवालय से की, साथ ही प्रदेश में पर्यावरण दूषित ना हो इसके लिए सरकार ने प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि प्रदेश में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जिसकी शुरुआत सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय से की गई और इसके साथ ही वेस्ट मटेरियल को एनर्जी में बदलने के लिए रिसाइकिल स्थापित किए गए हैं ताकि वेस्ट मटेरियल से अनेकों प्रकार की ऊर्जा पैदा की जा सके। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए हर व्यक्ति की भूमिका की आवश्यकता है ताकि प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार हो सके। तमाम तरह के उपाय सामने आ रहे हैं, रिसाइकलिंग के से जुड़े हुए सवाल हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सवाल हैं, तो उन पर सब पर काम लोग हम लोग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो एक देश के सामने विचार रखा कि हम प्लास्टिक मुक्त इस धरती को करें। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत की पहल से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कैंप का पैसा सभी राज्यों को देने का मन बना लिया। वन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को सभी राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक आई है और इस बैठक के बाद एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्यों को कैंप का पैसा दिया जाएगा और उत्तराखंड को लगभग 2600 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस धनराशि के मिलने से राज्य की बैंकों में साख बनेगी और साथ ही वनों के विकास के लिए लाभकारी साबित होगा। वन्य जीवों के संरक्षण में पैसे की वजह से होने वाली दिक्कतें दूर होंगी। साथ ही इस धनराशि से लगभग 6 से 7 करोड़ का ब्याज भी प्रतिवर्ष सरकार को मिलेगा।
मैं सोचता हूँ हमको इतना ब्याज मिल जाएगा कि हम साल भर में ब्याज के पैसे को से ही प्लांटेशन है, फायर्स, आग लगने, जो जंगलों में आग लगती है उसको कंट्रोल करना है, मानव संघर्ष है इसको कंट्रोल करना है, कहीं हर्बल गार्डन बनाना है, इतने तरह के काम हम, कहीं हाथी रोधक दीवार बनानी है, तो इतने तरह के काम हम इस कैंपा के पैसे से कर सकेंगे। कोटद्वार में उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा के स्थानांतरण को लेकर तहसील में चल रहा अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन और उप जिलाधिकारी कोर्ट के न्यायिक कार्य से विरत रहना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप था कि उप जिलाधिकारी द्वारा अधिवक्ताओं को नजरअंदाज करने और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते ही मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाराज अधिवक्ता उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे। तबादले की मांग को लेकर लगातार चल रहा है और किसी की मांग के तबादले के संबंध में ही जिलाधिकारी को बॉडी अग्रवाल द्वारा पीडीएम साहब को भेजा गया था हमारे सामने और हमने अपनी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया है कि कोटद्वार बार एसोसिएशन चाहती है कि इनका तबादला कर दिया जाए एचएम साहब का। और जिन कर्मचारियों ने ये धरना प्रदर्शन के लिए धरना दिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई। रामनगर के डॉन परेवा में शहीद दीवान सिंह की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के मतवालों में से एक दीवान सिंह की शहादत से पूरा क्षेत्र आज भी दुख और खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। 1942 में आजादी की जंग में कूदे इस जांबाज का 1943 में कालाढूंगी में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़े के नारे लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। 1944 को शहीद दीवान सिंह को बरेली जेल ले जाया गया, जहां 23 अगस्त 1945 को देश का एक और लाल देश के लिए कुर्बान हो गया। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व नैनीताल सांसद अजय भट्ट, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। रुद्रपुर शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों की तादाद पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने नई पहल की शुरुआत की है और जिसके तहत निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए 2 ई-रिक्शा खरीदे हैं, जिसमें ई रिक्शा को डॉग एम्बुलेंस के तौर पर तैयार किया गया है और जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर अस्पताल ले जाकर नसबंदी की जाएगी, जबकि दूसरे ई रिक्शा को आवारा कुत्तों को छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। रुद्रपुर शहर में काफी संख्या में आवारा कुत्तों का आतंक रहता है और कुत्ते आए दिन किसी न किसी राहगीर को अपना शिकार बनाते हैं और जिला अस्पताल में एंटी रैबिस की वैक्सीन उपलब्ध न होने से लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल ने बताया कि नगर निगम जल्द ही शहर के कुत्तों को पकड़कर उन्हें करेगा और साथ ही कुत्तों को रैबिस के इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे ताकि आवारा कुत्तों के काटने पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने एबीसी सेंटर खोला है डॉग्स के लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनकी आबादी बढ़ रही है उन लोगों के बधियाकरण के लिए खोला है। तो हम लोग जो स्ट्रीट डॉग्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, बच्चों को, लोगों को काट दे रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ से ले जाएंगे, उन जो हमने गाड़ियाँ खरीदी हैं उनसे, और फिर उनका बधियाकरण के बाद हम उसको प्रॉपर सेंटर पर उनका इलाज कराने के बाद छोड़ देंगे। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर के गदरपुर में यूपी पुलिस के कांस्टेबल की हत्या में शामिल शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से एक अवैध पिस्टल सहित 2 कारतूस बरामद की गई। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवक का नाम वीरेन सिंह है, जो कि मनोज दुबे का साथी है। मनोज दुबे का यूपी पुलिस के कांस्टेबल मैंग से जमीन विवाद चल रहा था। मनोज दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मैंग की गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि मयंक हत्याकांड की पुलिस गंभीरता से जांच करने लगी है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य शूटर वीरेन सिंह उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से बिना रजिस्ट्रेशन की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बाकी अन्य साथियों की तलाश जारी है।
प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पर्यावरण जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यावरण और जल संरक्षण निदेशालय का गठन कर शासनादेश जारी किया है और निदेशालय बनाने एवं कानून एवं माफ कीजिएगा वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का कहना है कि समय की मांग को देखते हुए बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निदेशालय का गठन किया गया है। हालांकि पहले पर्यावरण बोर्ड काम कर रहा था लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोग्राम तय नहीं हो पाते थे। बोर्ड सिर्फ नोटिस और NOC जारी करने का काम करता था। अब पर्यावरण बोर्ड समेत अन्य कई बोर्ड इस निदेशालय के अधीन काम करेंगे। अपने स्तर पर जब कार्य काम करेंगे तो जो उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उत्तराखंड में जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उस पर हम ज्यादा बखूबी की तरह से हम अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। मुझे आशा है कि वो एक औपचारिकता नहीं निभाएगा, वो सरकारों को या उद्योगपतियों को लाइसेंस बांटने का एक नया उपक्रम नहीं होगा, बल्कि वो जन लोगों का हिस्सेदारी करेगा। जो विपत्तियां पारिस्थितिकी और पर्यावरण को लेकर आई हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण भागीदारी करेगा। रुड़की में परिवहन विभाग की लापरवाही का खामियाजा मासूम स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूलों में बच्चे को लेकर जाने वाली वैन में स्कूली छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर भर लिया जाता है। लापरवाही इतनी कि 8 सीटों वाली वैन में क्षमता से ज्यादा जो छात्र हैं उनको बैठाकर कानून को ठेंगा दिखाने में स्कूल प्रबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मंगलौर के शेरोन इंटर कॉलेज और गुरुज्ञान सागर पब्लिक स्कूल द्वारा भी परिवहन के नियमों को ताक पर रखते हुए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इन स्कूलों के वाहनों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। स्कूली बसों के साथ इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी कोई स्कूल प्रबंधक सबक लेने को तैयार नहीं। हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान छिड़ा गया है। लेकिन हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज भी उसी इलाके में गया था मैं सुबह और 8 स्कूल बसों और वैन का चालान किया गया, क्योंकि बसों में बच्चे रहते हैं कि उनको बंद करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आधे घंटे भी देर से बच्चे पहुँचेंगे तो उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दूसरी बात, इस पर निरंतर कार्यवाही करेंगे। रुड़की में भले ही ड्रग अधिकारी जगह जगह छापेमारी कर रहे हों लेकिन दवा माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे। रुड़की के बहेड़ी राजपूतान गांव में मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम नारकोटिक दवाइयां और सैंपल की दवाइयां बेची जा रही हैं। ड्रग अधिकारियों ने एक दवा एजेंसी पर छापा मार कर दवाइयों के सैंपल भरे और बावजूद इसके एजेंसी लगातार खुलती हुई दिखाई दे रही है। बहेड़ी गांव में कुछ मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के ही संचालित हैं। इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ जल्द ही टीमें बनाकर अभियान चलाया जाएगा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। किच्छा रोड के बगवाड़ा मंडी चौकी के पास चोरी हुए ट्रक के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्त के दौरान 3 चोरों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने ट्रक चोरी की बात कबूली है। चोरों की निशानदेही पर एक कबाड़ी की दुकान में दबिश थी। उन्हें चोरी हुए ट्रक की बॉडी इंजन और कई पुर्जे बरामद हुए, जबकि 2 चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 3 चोरों को ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि जिले में कई ट्रक चोरी कर चुके हैं। मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India। नमस्कार।